नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका नेक्स्ट नाइन न्यूज में। अगर देखा जाए यहाँ पर तो सचिन पायलट अब एक्शन में उतर आए हैं और लगातार यहाँ पर अपनी ही सरकार यानी सीएम गहलोत के खिलाफ लगातार नारेबाजी कर रहे हैं, लगातार सवाल उठा रहे हैं। अब यहाँ पर देखा गया था राजस्थान में कि किस तरीके से एक आदिवासी व्यक्ति राम प्रसाद मीणा जिसका नाम है, उनकी यहाँ पर हत्या कर दी गई थी और उस मुद्दे को लेकर यहाँ पर अशोक गहलोत के सामने सचिन पायलट अब एक तकरार की तरह खड़े नजर आ रहे हैं। उनके घर पहुंचे यानी कि राम प्रसाद मीणा के घर पहुंचे, उनके रिश्तेदारों से मुलाकात की और अभी तक जांच नहीं हो पा रही है, जांच की शुरुआत नहीं हुई, तो उसको लेकर लगातार सचिन पायलट ये कहते नजर आए कि सरकार इतनी देरी क्यों कर रही है, जबकि इसकी जांच तो कब की शुरू हो जानी चाहिए थी। अब देखा जाए यहाँ पर तो जैसे जैसे करके चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो वैसे ही राजस्थान में मुसीबतें कांग्रेस पार्टी के लिए लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर बीजेपी सरकार भी इस मुद्दे को तुल देती हुई नजर आ रही है। आगे देखा जाए यहाँ पर तो आत्महत्या बताई जा रही है कि आत्महत्या की है, लेकिन इसका जिम्मेदार कौन है, क्योंकि क्या वजह रही है, इन सब पर तो सरकार ही जांच करने की बात करेगी, लेकिन सरकार ने तो इस पर अभी तक कोई भी एक्शन नहीं लिया, तो इसको लेकर सचिन पायलट लगातार गुस्से में दिखाई दे रहे हैं। अब आगे देखा जाए कि पायलट ने क्या कहा, उनके बयान के बारे में बात कर लेते हैं। उन्होंने कहा कि अभी तक इस मामले की जांच शुरू नहीं हुई है, मैं हैरान हूँ इतनी देरी आखिरकार हो क्यों रही है, कोई भी मामला साफ होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब किसी की मृत्यु होती है तो सभी को दुख होता है और इसी तरीके से यहाँ पर ये दुख सभी लोगों में देखने को मिल रहा है। आपको वो खास वीडियो भी दिखा रहे हैं यहाँ पर कि किस तरीके से यहाँ पर सचिन पायलट तमाम तरीके की बातें करते नजर आए और अब तो प्रसाद यहाँ राम प्रसाद मीणा के समर्थन में किरोड़ी लाल मीणा भी उतर आए और वो भी तमाम तरीके की बात कर रहे हैं। हर एक मंत्री अशोक गहलोत के ही मंत्री यहाँ पर जांच की मांग लगातार करते हुए नजर आ रहे हैं और कहा जा रहा है कि महेश जोशी हो या उनसे बड़े, सब पर कार्रवाई होनी चाहिए। एक घटना एक ऐसी घट रही है जो सब पर भारी पड़ जाती है। तो चलिए आपको ये वीडियो जो आपने देखी, उस वीडियो को देखकर आपको समझ में आएगा कि आखिरकार यहाँ पर कौन सी मुसीबतें बढ़ने वाली है और किसके लिए बढ़ने वाली है और क्या पायलट इसी तरीके से सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते नजर आएंगे। तो देखिए ये वीडियो, अब आपने ये वीडियो को देखा और कहीं ना कहीं आपको ये लगा होगा कि यहाँ पर अब कोई भी नेता शांत बैठने वाला नहीं है, लेकिन क्या समझा जाए यहाँ पर कि गहलोत इसी तरीके से इस मामले पर और ऐसे और भी मामलों पर चुप्पी साधे नजर आएंगे या फिर कुछ ना कुछ बोलते नजर आएंगे। अब इस मुद्दे को लेकर अपनी राय जरूर दीजिएगा। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट टाइम।